Hi everyone, welcome to my channel. In this video we are going to know about the NMTC examination. So मैंने ये video basically बच्चों के लिए बनाया है इस time पे, क्योंकि NMTC का last registration date है 31st August. और 31st August तक अगर आपको NMTC examination में पार्ट लेना है तो आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना होगा. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन से पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता कि NMTC एग्जामिनेशन है क्या, उसे कंडक्ट कौन कराता है, उसमें पार्ट लेके हमें क्या फायदा होगा और वो एग्जामिनेशन से हमें क्या सीखने को मिलेगा. अगर आप उन बच्चों में से बिलोंग करते हो जो क्लास 5 लेके इवन कॉलेज लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो NMTC एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली आप सबके लिए है. क्योंकि NMTC एग्जामिनेशन के 5 कैटेगरीज होते हैं जिसमें प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर, इंटर और सीनियर लेवल का एग्जामिनेशन होता है. प्राइमरी लेवल है वो क्लास 5 और 6 के बच्चों के लिए है, जो सब जूनियर जो है वो 7 एंड 8 के बच्चे के लिए है, जूनियर जो है वो 9 एंड 10 के बच्चों के लिए है और इंटर जो है 11 एंड 12 के बच्चे के लिए है, और जो सीनियर लेवल है वो कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए है. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में 5 कैटेगरी होते हैं. ईच कैटेगरी में आपको 3 विनर्स मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो बेसिकली टोटल हो गए हमारे 3 × 5 इज इक्वल टू 15 विनर्स ऑल टुगेदर. नाउ कमिंग टू द कैश प्राइज, पहले ही मैं आपको ये बोल दूं कि जो प्राइज है आफ्टर द टेस्ट वो कुछ ज्यादा नहीं है. इसीलिए जो भी प्राइज मनी के एक्सपेक्टेशन में अगर ये एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे हो तो आपको प्राइज मनी उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट है इस एग्जाम से, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होगा. उससे आपको बाद में स्कॉलरशिप गेन करने में भी हेल्प होंगे. और अगर आप ये एग्जाम के लिए अभी से प्रैक्टिस करते हो, इस एग्जाम में अभी से अगर आप बैठते हो ईच कैटेगरी के एग्जाम में 5 से स्टार्ट करके, तो आपको बाद में जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी होगा. इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंसेस को क्रैक करना भी आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि आप इस टाइप के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बैठ चुके हो और आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. आपके ब्रेन अकॉर्डिंगली ग्रो अप हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं. आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको NMTC का टोटल डिस्क्रिप्शन दिया होगा, लेकिन आपको जो NMTC का चंक इम्पोर्टेंस जिसमें दिया होगा वो बहुत कम मिलेंगे. तो इसमें मैंने NMTC के बारे में डिस्क्राइब कम और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है. इसीलिए दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप समझो इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस. एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस मनी में नहीं, लेकिन उसका वैल्यू में होता है. और वो एग्जामिनेशन आपके लाइफ में क्या वैल्यू देता है उसमें होता है. तो ये एग्जामिनेशन आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा वैल्यू देंगे और आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठने का एक एक्सपीरियंस भी देंगे. और आपको ये एक ग्रोइंग स्टेज में मिल रहा है, इस स्टेज से ही खुद को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले चुनौती के लिए, और हम उसके लिए तैयार बैठेंगे, राइट? क्योंकि इसका जो प्राइस मनी है, फर्स्ट प्राइस विनर इन ईच कैटेगरी को मिलेगा 5,000 रुपी, सेकेंड प्राइस विनर इन ईच कैटेगरी को मिलेगा 2,500 रुपी और थर्ड प्राइस विनर इन ईच कैटेगरी को मिलेगा 1,250 रुपी. और उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा. और अगर मैं आपको इस एग्ज़ाम का लेवल बता दूँ, एग्ज़ाम का लेवल आपके नॉर्मल करिकुलम से यानि आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन के टॉपिक से कुछ हाई लेवल का होता है. उसके क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड होंगे. आपको इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए अलग से बुक मिल जाएंगे जो
AMIT भी रिकमेंड करता है। AMIT वो एसोसिएशन है जो NMTC को कंडक्ट करता है। NMTC का फुल फॉर्म है नेशनल मैथमेटिकल टैलेंट कॉन्टेस्ट। AMIT वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एग्जामिनेशन या इस कॉन्टेस्ट को कंडक्ट करता है, और AMIT का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ इंडिया। जो बुक AMIT ने रिकमेंड किया है टू प्रिपेयर फॉर NMTC, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहां जाके उस लिंक से वो बुक को परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहां पे आपको NMTC का प्रैक्टिस टेस्ट करवाया हुआ है, और आप नेट में जाके भी NMTC के टाइप के क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो कोई भी ब्राउजर में जाके। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो एग्जामिनेशन है वो आप इंडिविजुअली नहीं दे सकते। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको कोई बॉडी की जरूरत होते है, जैसे कि आपका स्कूल या आपका कोई कोचिंग सेंटर जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर सके। इसलिए अगर आपको NMTC के एग्जामिनेशन में रजिस्टर कराने का विल है तो आप अपने स्कूल के अथॉरिटी से बात करें, क्योंकि अगर आपके स्कूल में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते फिर भी दूसरे स्कूल के साथ लिंक अप या टाई अप करके आपको उस स्कूल में भेज के आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए इफ यू आर स्टडिंग इन स्कूल देन यू हैव टू कनेक्ट टू द स्कूल अथॉरिटी, और अगर आप कोई रिनाउंड कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो वहां पे भी ये एग्जाम का कंडक्शन हो सकता है। आपको वहाँ पे जो अथॉरिटी है उनसे बात करना होगा कि क्या यहाँ पे NMTC एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं। NMTC का जो एग्जाम है बेसिकली वो दो स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम प्राइमरी टेस्ट बोलते हैं और सेकंड टेस्ट को हम फाइनल टेस्ट बोलते हैं। जो प्राइमरी टेस्ट में है उसमें MCQ पैटर्न का क्वेश्चंस आता है, और जो फाइनल टेस्ट है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। प्राइमरी टेस्ट से जो 10% हाई स्कोरर बच्चे हैं वो बच्चे ही सेकंड टेस्ट दे पाते हैं, और जो स्कोर का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है प्राइमरी टेस्ट से वो ही सेकेंडरी टेस्ट के एज अ एडमिट कार्ड काम करते हैं। अब आफ्टर द सेकेंडरी टेस्ट इच कैटेगरी में जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनको कैश प्राइज और सर्टिफिकेट मिलते हैं। इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, और आप ये एग्जामिनेशन को 31 अगस्त तक रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद से उसका जो डेडलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं NMTC के एग्जामिनेशन डेट पे। एवरी ईयर NMTC जो है अपना फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन अक्टूबर के मंथ में रखते हैं। इस बार फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है 2 अक्टूबर को। सेकेंड स्टेज या फाइनल स्टेज के एग्जाम जो है 4 नवंबर को, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 1st week of December 2023 तक मिल जाएंगे। तो आई होप आपको NMTC के एग्जाम के बारे में सब जानकारी मिल चुका होगा, और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट या डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए या उनके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कमेंट मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।